टू दिशो टेन्स ऑफ मूवीज आज हम इस एपिसोड में इंडोनेशियन सुपर हॉरर फिल्म ऑफ ब्लैक मैजिक को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे इस मूवी को किमोन्स टेम्बल ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी अगर आपको और भी एशियन हॉरर मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है आप देख सकते हैं तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें हनीफ उसकी पत्नी नाडिया और उसके तीन बच्चे होते हैं सैंडी डीना और हकी हनीफ एक अनाथ था और अपने बचपन में अडॉप्ट होने से पहले वो एक अनाथालय में ही रहता था और इस अनाथालय के ओनर मिस्टर बंडी ने हनीफ की देखभाल की थी इसलिए हनीफ मिस्टर बंडी से इमोशनली था क्योंकि कई साल बीत चुके थे और मिस्टर बंडी काफी बूढ़े और बीमार हो गए थे इसलिए हनीफ पूरी फैमिली के साथ उनसे मिलने जा रहा था पूरी फैमिली एंजॉय करते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक से उनकी कार से कुछ टकराता है हनीफ जब बाहर आकर चेक करता है तो वहां उसे एक हिरन मारा पड़ा मिलता है उसे लगता है कि हिरन उसकी कार से टकराया और मर गया वो लोग वहां से आगे निकल जाते हैं लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की दूसरी तो साइड में घायल पड़ी है जिसे वो देख नहीं पाते हनीफ अनाथालय पहुंच जाता है और वहां वो लोग मामा और सिटी से मिलते हैं वो दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं और इसी हॉरफिनिश में रहते हैं क्योंकि बचपन में इन दोनों को किसी ने अडॉप्ट नहीं किया था इसलिए वो दोनों यहीं रह गए और बड़े होने पर आपस में ही शादी कर ली हनीफ ज के बच्चों के लिए किट किफ्टया होता है जो उन्हें देता है तभी वहाँ एक और कार आती है जिसमें से चार लीना भी आई थी एंटोन और जेफरी भी हनीफ के साथ इसी ऑर्फेनेज में रहते थे और हनीफ की तरह इन्हें भी बचपन में अडॉप्ट कर लिया गया था ये लोग एक अच्छी लाइफ जी रहे थे और अपने अपनी फैमिली में बहुत खुश थे हनीफ ममान से ऑर्फनेज के बच्चों के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि दो बच्चे हस्बी और रानी यही हैं और बाकी के सारे बच्चे ट्रिप पर गए हैं जो रात तक वापस आ जाएंगे। वहीं हनीफ रानी और हस्बी से मिलता है और अपने बच्चों को उन दोनों के साथ ऑर्फनेज देखने को भेज देता है और हनीफ जेफरी और एंटोन अपनी अपनी वाइफ को लेकर मिस्टर बंडी से मिलने उनके रूम में जाते हैं उधर हस्बी और रानी बच्चों को उनका रूम दिखाते हैं जहाँ सेंडी के उसके और रानी के बारे में पूछने पर अज उसे बताता है कि इस ऑर्फनेज में वो बचपन से रह रहा है लेकिन जब रानी दस साल की थी तब उसकी माँ उसे यहाँ छोड़ गई थी जिस पर रानी गुस्से में कहती है कि मेरी माँ मुझे वापस लेने जरूर आएगी वही बच्चे आपस में बात कर ही रहे थे कि इसी पीछा के रूम से बाहर निकल एक बंद बड़े रूम के सामने जाता है और उसके अंदर क्या है ये जानने की कोशिश करता है तभी व रानी आ जाती है रानी हकी को बताती है कि ये रूम पिछले बीस सालों से बंद है जिस पर हकी उसे पूछता है कि यहाँ क्या है तब रानी उसे बताती है कि इस ऑर्फेनेज में नाम की लेडी काम किया करती थी और एक दिन वो मुर्नी नाम की लड़की के साथ ऑर्फनेज के बाहर गई और अचानक से चिल्लाते हुए वापस आई और बोली कि मुरनी को एक राक्षस ने किडनैप कर लिया है और वो पागलों की तरह चिल्लाती रही और लोगों ने उन्हें इस कमरे में बंद कर दिया और मुन्नी को ढूंढने बाहर गए मिस मीरा ने दरवाजा बहुत खटखटाया कट पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला लेकिन जब दरवाजा खोला गया तब पता चला कि मिस मीरा ने अपना सिर दरवाजे पर पटक पटक कर अपनी जान दे दी वहीं सब ने मुन्नी को ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिली और सबको लगा कि तो मिसेस मीरा ने मुन्नी को मार डाला है और हकी को ये कहानी बताकर रानी वहां से चली जाती है इसके अगले सीन में हम सबको मिस्टर बंडी के रूम में देखते हैं जहाँ एंटोन अपने बचपन की पुरानी फोटोज दिखाता है और उससे रिलेटेड बातें भी बताता है तभी हकी एंटोन को एक फोटो दिखाता है और पूछता है कि ये कौन है तभी एंटोन उसे बताता है कि ये मिस मीरा और मुर्नी है और बताते वक्त एंटोन हनीफ और जेफरी थोड़ा परेशान से दिखने लगते हैं तभी नाडिया सबको खाना खाने के लिए चलने को बोलती है सब डाइनिंग टेबल पर जाते हैं लेकिन हनीफ जेफरी के साथ कार से सामान निकालने बाहर आ जाता है वहीं सामान निकालते वक्त हनीफ की नजर अपने कार के बोनेट पर जाती है और जब वो उसे चेक करता है तो उसे बोनेट पर कपड़े का टुकड़ा और बाल फंसा हुआ मिलता है तभी वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसकी कार से क्या टकराया था इसलिए वो जेफरी को ले एक्सीडेंट वाली जगह पर फिर से जाकर चेक करता है वही उसे वो मरा हुआ हिरन भी दिखता है लेकिन जेफरी को सड़क की दूसरी तरफ एक बच्ची पड़ी मिलती है जो बहुत जख्मी होती है तभी हनीफ समझ जाता है कि तो उसकी कार से लड़की ही टकराई थी और जब जेफरी उसे चेक करता है तो वो बताता है कि ये बच्ची मर चुकी है वहीं ये सुन हनीफ शॉक्ड हो जाता है और उन दोनों को ये समझ नहीं आता कि वो क्या करें। तभी हनीफ की नजर खेत के बीचों बीच खड़ी एक बस पर जाती है और जब वो दोनों उस बस के अंदर जाकर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि के बच्चों की ही बस है जो सुबह पिकनिक पर निकले थे और वो बच्चे बड़े ही अजीब तरीके से मरे पड़े होते हैं उन पर कई सारे चल रहे होते हैं और कई बच्चों की आंखें भी निकली हुई थी ये देख दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं तभी अनी बस से बाहर निकल पुलिस को कॉल करने लगता है लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण फोन नहीं लग पाता और वहां से पुलिस स्टेशन भी लगभग दो घंटे दूर था और इसलिए वो वहां भी नहीं जा सकते थे तभी वो डिसाइड करते हैं कि वो वो सीधा जाएंगे और वहां वहां के से से पुलिस को को कॉल करेंगे वो दोनों उस बच्ची की को से की बॉडी लेकर तरफ निकल जाते हैं उधर एंटोन उन दोनों का वेट कर रहा होता है तभी वो लोग वहां पहुंचते हैं वही एंटोन के पूछने पर कि वो दोनों कहां गए थे हनीफ उसे कार के पीछे देखने को बोलता है लड़की की बॉडी देख एंटोन घबरा जाता है और पूछता है कि ये सब क्या है हनी बताता है कि यहाँ आते वक्त अंजाने में उसकी कार से लड़की टकरा गई थी और मर गई और वो ये भी बताता है कि वहाँ एक बस खड़ी है जिसमें ऑर्फनेज के बच्चे मरे पड़े हैं ये सारी बातें सुन एंटोन को विश्वास नहीं होता तभी जेफरी उसे बताता है कि उसने भी ये सब देखा है और वो चाहे तो वहाँ जाकर देख सकता है तभी एंटोन कहता है कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए जिस पर हनीफ कहता है कि सेल फोन के नेटवर्क न होने के कारण हम यहाँ आए हैं ताकि लैंडलाइन से पुलिस को कॉल कर हम पुलिस को बुला सके तब ये एंटोन उसे बताता है कि कई दिनों से इस अनाथालय का भी लैंडलाइन बंद है और वो डिसाइड करते हैं कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे नहीं तो सब डर जाएंगे एंटोन पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करता है और वो कहता है कि पहले मैं एक्सीडेंट वाली जगह पर जाऊंगा और फिर पुलिस स्टेशन जाऊंगा क्योंकि एंटोन को सब कुछ अपनी आंखों से देखना था कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है वही एंटोन एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाता है जब वो बस में जाता है तो वो देखता है और वो सब खड़े होते हैं तभी एंटोन ये सब देख डर जाता है क्यूँकी हनीफ और जेफरी ने कहा था की बच्चे मरे पड़े हैं तभी अचानक से बस का डोर लॉक हो जाता है एंटोन डोर ओपन करने के लिए जोर लगाता है तभी उसे बस के दरवाजे के बाहर एक काले रंग की परछाई दिखती है और वो डर कर पीछे होने लगता है और उसके पैर से एक अंडा फूट जाता है अंडे में से कई सारे कीड़े से निकलने लगते हैं तभी उसकी नजर वापस बच्चों पर पड़ती है और वो देखता है कि सारे बच्चे अब आगे की तरफ देख रहे हैं तभी वो सारे कीड़े उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं और उसके मुंह में घुस जाते हैं जिससे एंडोन की मौत हो जाती है वहीं दूसरी तरफ ऑर्फेनेज में भी अजीब सी चीजें होने लगती हैं। जैसे उनके किचन में पानी की जगह खून निकलने लगता है और दूसरी तरफ जब नाडिया और हनीफ आपस में बात कर रहे होते हैं तब अचानक से उनके पीछे रखे टेबल पर एक कौन से लत पर पक्षी गिरता है और ये देख दोनों बहुत डर जाते हैं वही दूसरी तरफ हम लीना और जेफरी को देखते हैं जहा लीना को लगता है तो उसे हार्मोनल इम्बेलेंस की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बिना कुछ खाए उसका वजन बढ़ता है और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है लीना गुस्से में रूम से बाहर निकल जाती है तभी अचानक से उसे हॉल से कुछ आवाजें आती हैं और वो हॉल की तरफ जाने लगती है लीना हॉल में रखे चाकू को उठाकर फ्रूट काट खाने लगती है और खाते खाते मिरर की तरफ मुड़ती है और मिरर में खुद को देख उसे ऐसा लगता है कि वो मोटी हो गई है जबकि ऐसा नहीं था और हम लीना को उसके पेट और उसके छिन की स्किन को छीलते हुए देखते हैं जिसे देख ऐसा लग रहा था कि वो खुद के कंट्रोल में नहीं थी मानो किसी ने उसे अपने वश में कर लिया हो वहीं दूसरी तरफ हम ईवा को देखते हैं जो अपने रूम में अकेली बैठी होती है और अपने ऑफिस का काम कर रही होती है तभी अचानक से उसके ऊपर कुछ सैन गिरते हैं और उसके मुंह में घुस जाते हैं उधर लीना मिरर में खुद को देख रही होती है कि तभी जेफरी रूम से बाहर आता है और लीना को आवाज लगाता है तभी लीना उसकी तरफ मुड़ती है और कहते हैं कि मैं पतली दिख रही हूँ ना जेफरी लीना को ऐसी हालत में देख घबरा जाता है और उसे चाकू नीचे रखने को बोलता है चाकू नीचे रखते ही जब लीना खुद को मिरर में देखती है तो वो खुद को ऐसी हालत में देख डर कर बेहोश हो जाती है और हमें पता चलता है कि लीना पजेस्ट होकर ऐसा कर रही थी जेफरी और नाडिया को हेल्प के लिए आवाज लगाता है और जैसे ही वो लोग लो लीना को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहे होते हैं तभी ईवा तड़पते हुए अपने रूम से बाहर आते है क्योंकि वो बोल नहीं पा रही थी इसलिए वो इशारे करके सबको बताती है, है। हनीफ को बुलाता है और बताता है कि ईवा की खांसी नहीं रुक रही है और तभी ईवा वॉमिट करती है जिसमें ब्लड के साथ कई सारे सेंडीपीड्स निकलते हैं वहीं कुछ और सेंडीपीड्स उसके बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं जिसे ईवा अपने हाथों से नोच कर उसे बाहर निकालती है और डर कर बेहोश हो जाते हैं सारे लोग ये नज़ारा देख बहुत डर जाते हैं और उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकलते हैं नाटिया बहुत देर से कार ड्राइव कर रही होती है तभी अनीफ उसे कहता है कि अब तक हमें मेन रोड पर होना चाहिए था जिस पर नाटिया कहती है कि वो सही रास्ते पर है पर लगता है कि हम गोल गोल घूम रहे हैं क्योंकि मैंने अभी ये रोड पार किया था हम जहाँ से चले थे हम वापस वहीं आ जा रहे हैं वहीं नाटिया की बातें सुन जैफरी अनिफ से कहता है की लगता है फिर से वही हो रहा है जिस पर नाटिया कहती है कि उसे साफ साफ जानना है कि कि आखिर बात क्या है 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 क्योंकि कुछ भी नॉर्मल नहीं है। खनीफ, नाडिया को बताता से 25 साल पहले हमारे अनाथालय के कमरे में आग लग गई थी जिसमें तीन लड़कियों की मौत हो गई थी और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि मिसेस मीरा ने काले जादू का इस्तेमाल कर उन तीनों लड़कियों की बलि दे दी थी हम तीनों काफी डर गए थे और फिर हम और फनेस से भाग गए लेकिन जैसे ही हम भागते वैसे ही हम बार बार घूम कर और के सामने आ जाते और हम मिस्टर बंटी के साथ मिलकर मिसेस मीरा को पकड़े कमरे में बंद कर दिया और जब तक हम दरवाजा ओपन करते तब तक मिसेस मीरा मर चुकी थी और फिर मिस्टर बंटी के कहने पर हमने मिसेस मीरा को उसी रूम के जमीन में दफन कर दिया वहीं दूसरी तरफ हम हस्बी को देखते हैं जो एक अंधेरे कमरे में एक चूहे पर अपनी गन से निशाना लगा रहा होता है तभी उसे लगता है कि उसका एक हाथ उसके कंट्रोल में नहीं है और वो उसे हाथ से ना चाहते हुए भी एक स्टेपना उठाता है और अपने मुंह पर स्टेपल करने लगता है वहीं दूसरी ओर हकी एक रूम में टीवी देख रहा होता है तभी टीवी के अंदर चल रही लेडी के कदमों की आहट उसे रियल में सुनाई देने लगती है वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता लेकिन जब वो वापस टीवी की तरफ देखता है तो उसे मिस मीरा की घोस्ट ऑन करती है वो डर कर वहाँ से भाग जाता है और भाग कर हस्बी के रूम में आता है हस्पी के रूम में अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता अकी ऊन की लाइट ऑन कर उसे ढूंढता है उसे हसपी दिखता है वो उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ लेकिन फिर से का हाथ होने लगता है और वो चूहे मारने वाली कन से हकी को शूट कर देता है जिससे हकी के शोल्डर और पैर में गोली लग जाती है उधर हनीफ नाडिया और बाकी के लोग वापस आ जाते हैं और बच्चों को ले अनाथारे से निकलने का फैसला करते हैं लेकिन उन्हें हकी नहीं मिलता तभी नाडिया को पिकनिक पर गए बच्चों का ख्याल आता है और वो पूछती है कि वो सब अभी तक क्यों नहीं आए तभी हनीफ उसे बताता है कि सारे बच्चे मर गए हैं और ये सुन नाडिया की चिंता हकी के लिए और बढ़ जाती है और वो सब हकी को ढूंढने लगते हैं नाडिया हॉल में बैठी होती है कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं वो आवाज को फॉलो करते हुए मिस्टर बंडी के रूम में पहुंच जाती है और फिर वो आवाज़ मिस्टर बंडी के बेड के नीचे से आने लगती है नाडिया बेड के नीचे देखती है तो उसे वहा एक बॉक्स मिलता है जिसमे कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं जिसे देख नाडिया रोने लगती है नाडिया को सारी फोटोज दिखाती है यहाँ इन तस्वीरों में कुछ लड़कियां अनकंफर्ट पोज में थी और उनमें से एक तस्वीर में साफ दिख रहा था कि मिस्टर बंडी ही इन तस्वीरों को खींच रहे थे तभी नाडिया पूछती है की यह लड़कियाँ कौन है और क्या इस तस्वीर में दिखने वाला आदमी मिस्टर बंडी है तभी हमें पता चलता है की मिस्टर बंडी एक बुरा इंसान था जो ऑर्फेज की लड़कियों को हरेश करता था और मिस मीरा एक अच्छी औरत थी जो लड़कियों को बचाने की कोशिश कर रही थी और इसलिए मिस मीरा को मार दिया गया वहीं ये तस्वीर देख अनिफ समझ जाता है कि 25 साल पहले उन तीनों ने मिस्टर बंडी पर भरोसा करके अनजाने में मिस मीरा को मारने में साथ दिया था अनिफ को यह भी लगता है कि कोई है जो इस बात का बदला ले रहा है तभी डीना को एक फोटो देती है जो सिटी की होती है वही हनीफ को लगता है कि सीठियों और ममान उनसे बदला ले रहे हैं क्योंकि उन्हीं दोनों ने इन्हें यहाँ बुलाया था वहीं जेफरी अपनी वाइफ को लेकर अंदर आता है और हनीफ को हॉस्पिटल चलने को बोलता है हनीफ जेफरी से कहता है कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते और उसे सारी फोटोज दिखा पूछता है की क्या तुम इनके बारे में जानते हो लेकिन जेफरी मना कर देता है हनीफ दोबारा से पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है इससे पहले कि जेफरी कुछ बताता ममान और सिटी वहाँ आ जाते हैं तभी जेफरी अपना गुस्सा ममान पर उतारता है और उसे मारता है नाडिया चाकू दिखाकर उन दोनों से पूछती है कि हकी है और उन उन दोनों ने उन लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है तभी यहाँ एक और चौंकाने वाली चीज पता चलती है कि जब ममान उसे बताता है कि उन दोनों ने किसी को भी नहीं बुलाया उन्हें कुछ भी नहीं पता हनीफ ममान को सारी पिक दिखाता है जिसमें सिटी की भी एक पिक होती है और इस पिक्चर को देख शॉक्ड हो जाता है वही सिटी अपनी पिक को देख अनकटेबल हो जाती है और उसके हाथ से अपनी फोटो छीनने लगती है और वो ये रियलाइज करती है कि कि अब सबको पास में उन उन सब के साथ क्या हुआ ये बता देना चाहिए वो बताती है कि मिस्टर बंडी उन लोगों को परेशान किया करता था मिस्टर बंडी ने ही उन तीनों लड़कियों को एक कमरे में बंद करके उनको जहर दिया और उस कमरे में आग लगा दी और मिस्टर बंडी ने हमें धमकी दी अगर हमने किसी को ये बात बताया तो वो हमारे साथ भी यही करेगा सिटी बताती है कि इस से उसने अपने ऊपर खोलता पानी डाल दिया ताकि मिस्टर बंडी उसे टच न करे वो बताती है कि मिस मीरा हमेशा हम बच्चियों का बचाव करना चाहते थे और इसलिए मिस मीरा काला जादू सीख रही थी वो हम बच्चों को बचाने के लिए मिस्टर बंडी को काले जादू के सहारे मानना चाहते थे लेकिन इससे पहले मिस्टर बंडी ने मिस मीरा को ही फंसा दिया और उन्हें जेफरी एंटोन और हनीफ की मदद से एक कमरे में कैद कर दिया जहां सर पटक पटक कर उन्होंने अपनी जान दे दी वो कहती है कि आज जो भी हो रहा है उसका और उसके पति का कोई भी हाथ नहीं ये सच जानकर सब मिस मीरा के लिए बहुत गिल्ट महसूस करते हैं लेकिन अभी भी सवाल ये था कि इन सब के पीछे आखिर कौन है तभी हम उस बच्ची मुस्तिका को देखते हैं जो हनीफ की कार से टकराई थी वो मरी नहीं थी बल्कि बेहोश हो गई थी वो कार से निकलकर अनकॉन्शियस हालत में हेल्प मांगते हुए अनाथालय के अंदर आती है सब लोग उसे संभालते हैं और पूछते हैं कि सब बच्चे कहाँ हैं वो बताती है कि जब हम पिकनिक से वापस लौट रहे थे तो पता नहीं कैसे बस का एक्सीडेंट हो गया और तभी एक औरत जिसने काले कपड़े पहने थे वो बस के अंदर आई और सारे बच्चे को अपने वश में कर लिया और सारे बच्चे अपना सर पटकने लगे जिससे उनकी मौत हो गई क्योंकि मैंने हेडफोन लगा रखा था इसलिए मैं बच गई और मैं वहां से निकल भागने लगी तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया हनीफ इन सब का कारण मिस्टर पंडी को मानता है और गुस्से में आकर उनके कमरे में जा उनका गलत है नादिया हनीफ को रोकती है तभी हनीफ की नजर जमीन में बॉक्स के पास पड़ी एक फोटो पर जाती है जिसमें मिस मीरा अपने नवजात बच्चे के साथ होती है जिसके पीछे लिखा होता है मुरली ग्यारह अगस्त उन्नीस सौ नवासी हनीफ फोटो देख वो दिन याद करता है जिस दिन उन तीनों ने मिस पंडित के कहने पर मिस मीरा को दफनाया था क्योंकि उसने मुन्नी को दरवाजे के पास आखिरी बार देखा था तभी अनिफ समझ जाता है कि ये सब मुर्नी ही कर रही है इतने मेहस भी हकी को लेकर हॉल में आता है वो दोनों बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं और फिर सब भाग कर और विनेज के बाहर आ जाते हैं वो लोग कार में बैठने ही वाले होते हैं कि तभी ईवा पजेस्ट हो जाती है और कार पर चढ़कर जोर जोर से कार पर अपना सर पटकने लगती है तभी हनीफ मुर्नी को आवाज लगाकर ये सब रोकने को कहता है और फाइनली हमें मुरनी दिखती है जो अपने काली जादू से हवा में ऊपर उठती है और आकर हनीफ का गला दबाने लगती है नाडिया मुरनी को रोकने की कोशिश करती है तभी रानी पीछे से आकर उसके सर पर वार करती है और नाडिया बेहोश हो जाती है और हमें पता चलता है कि रानी मुरनी की ही बेटी है वहीं जब नाडिया होश में आती है तो वो सबको ढूंढने लगती है वो देखती है कि मुरली अपने ब्लैक मैजिक के पावर से सबको बहुत बुरी तरह से तकलीफ दे रही थी और सब डर से चिल्ला रहे थे वो सबको बचाने की कोशिश करती है लेकिन सब दरवाजे के अंदर लॉक थे नाडिया चिल्लाने लगती है तभी उसे एक रूम ओपन दिखता है जहाँ रोशनी होती है जब नाडिया अंदर जाती है तो वो देखती है कि हनीफ मिस्टर बंडी और हकी वहां होते हैं और वहाँ बहुत से कैंडल चल रहे होते हैं तभी नाडिया एकदम गुस्से में आ जाती है लेकिन मुर्नी अपने ब्लैक मैजिक के पावर से उसे उठाकर फेंक देती है। मुर्नी कहती है कि आज रात तुम सब मारे जाओगे कहती है कि जो कुछ भी हुआ उन तीनों से बचपन में अनजाने से हुआ मेरे बच्चों का इन सब से कोई लेना देना नहीं उनको इन सब से दूर रखो नाडिया मुर्नी से पूछती है कि उसने अनाथालय के बच्चों को क्यों मारा तो वो कहती है किस अनाथालय में पल कर बड़े होने से अच्छा उनका मर जाना था मुरनी नाटिया को एक खंजर देती है और एक ऑप्शन देती है कि अगर उसने अपने पति को मार दिया तो वो उसके बच्चों को छोड़ देगी ब्लैक मैजिक से नाटिया के हाथों को कंट्रोल करने लगती है और उसे हनीफ को मारने के लिए मजबूर कर देती है जैसे ही खंजर हनीफ की गर्दन पर चलने वाला था तभी हकी पीछे से मुर्नी पर हमला करता है और मुर्नी के हकी की तरफ मुड़ने से ब्लैक मैजिक टूट जाता है और नाडिया उसी खंजर से मुन्नी के गला धर से अलग कर देती है ये देख रानी नाडिया पर हमला करती है लेकिन मुन्नी जो कि ज्यादा पावरफुल हो गई थी वो अपने अपने सर को वापस अपने धर से छोड़ लेती है और नाडिया पर हमला करने जाती है लेकिन तभी नाडिया की नजर कैंडल्स पर जाती है और नाडिया कैंडल्स उठाकर मुन्नी पर फेंक देती है जिससे मुन्नी चलने लगती है तभी नाडिया हकी रानी और हनीफ को लेकर बाहर आ जाती है और हकी मिस्टर बंटी को उसी रूम में छोड़ देता है जो वहीं जलकर मर जाता है मुरली के जलते ही ब्लैक मैजिक का खत्म हो जाता है और वो सब वहां से निकल जाते हैं इसके अगले सीन में हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नाटिया और सिटी हकी को लेने उसके स्कूल गए थे तीनों वहां से घर की तरफ लौट ही रहे थे कि कार के साइड मिरर में नाटिया को मुरनी देखती है और जब वो बाहर निकल कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और ये मूवी यही खत्म हो जाती है तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय